आज हम बात करने वाले हैं नैस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। नैस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है भाई डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। होता क्या है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आप क्या करो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करो। तो होने क्या वाला है, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, वेपर प्रेशर क्या होने वाला है भाई, कम होने वाला है। जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में आके क्या होने वाला है, बैठ जाएगा भाई। उसे आप टेम्परेचर दे रहे हो लेकिन वो वेपर बहुत कम बनाने वाला है। बनाएगा तो सही लेकिन बहुत कम बनाने वाला है, ठीक है। तो क्या होने वाला है भाई, वेपर प्रेशर को क्या होने वाला है भाई, कम करने वाला है। ऊपर वाले सॉल्यूशन को ही वो वेपर नहीं बनाने दे रहा है, तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा और आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होने वाला है। ये ध्यान रखना है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है भाई, कम होने वाला है। इससे हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाएं वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर में, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा भाई, राइट। अगर मैं सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाऊं जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा भाई, कम होगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट। कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर अगर बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये सॉल्वेंट क्या है भाई, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, अगर मैं सॉलिड सॉल्वेंट का अगर मैं यहां पर वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है, इस तरह से आएगा भाई कुछ, राइट। ये क्या है आपके पास, सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है भाई, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है। तो अब यहां पर अगर थोड़ा सा देखें, तो यहां पर होने क्या वाला है, यहां पर सॉल्वेंट का जो पॉइंट है और यहां पर इस टेम्परेचर पर आकर इनका वेपर प्रेशर बराबर हो गया सॉलिड सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्वेंट का। तो इस टेम्परेचर जो होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलने वाले हैं भाई, उस टेम्परेचर को हम बोलने वाले हैं इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज टीएफ ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का यहां पर आकर क्या हो रहा है भाई, बराबर हो रहा है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो टेम्परेचर है भाई, उसे हमने क्या बोला है भाई, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है, ये क्या है भाई, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो क्या हो गया भाई, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, सॉल्यूशन का क्या हो गया भाई, कम हो गया। कितना कम हुआ है, इतना। और इसको ही आपने क्या बोला है भाई, डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप अगर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, तो क्या होने वाला है भाई, आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है भाई, कम होने वाला है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ क्या है भाई, डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो उससे हमारा डेल्टा टीएफ आ जाएगा। उससे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, उसमें से हमें किसको माइनस करना है, डेल्टा टीएफ को माइनस करना है, तो हमारा पास क्या आ जाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला कि जो डेल्टा टीएफ है, दैट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के, ठीक है। और मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहां पर जो डेल्टा टीएफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है, ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा टीएफ इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से प्रूफ हुआ,
ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया भाई, नया कांस्टेंट आया जिसे आप क्या बोलते हो, केएफ। केएफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है भाई, ये एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सॉल्वेंट चेंज करोगे तो केएफ की वैल्यू चेंज होने वाली है, वाटर के लिए अलग आने वाली है, बेंजीन के लिए अलग आने वाली है। तो सॉल्वेंट चेंज होगा तो केएफ की वैल्यू क्या होने वाली है भाई, चेंज होने वाली है। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में हमें दो पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है, पहला ये एंड सेकेंड ये। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं नैस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। नैस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है भाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कुछ इस तरह से समझने वाले हैं भाई, ठीक है, मेरे पास एक वीकर है, ठीक है, उसके एक साइड मैंने प्योर सॉल्वेंट भर के रखा हुआ है और एक साइड क्या भर के रखा हुआ है, सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, और बीच में क्या लगाया हुआ है, सेमी परमियल मेम्ब्रेन। सेमी परमियल मेम्ब्रेन की एक खास बात होती है, वो क्या करती है भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देती है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने सॉल्वेंट भर के रखा हुआ है, यहां पर सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है, बीच में सेमी परमियल मेम्ब्रेन लगा के रखी हुई है। अब होगा क्या, ठीक है, यहां पर अब सॉल्वेंट मूव कर सकता है, तो सॉल्वेंट यहां से यहां भी जा सकता है, ठीक है, यहां से यहां जा सकता है, ठीक है, यहां से यहां जा सकता है, कि बाबा जी यहां पर भी तो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहां से भी तो यहां जा सकता है। हाँ भाई जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर नेट बात करें, ठीक है, सॉल्वेंट यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहां पर कंसेंट्रेशन का मतलब गलत मत समझना भाई, मतलब सॉल्वेंट यहां पर ज्यादा है और यहां पर क्या है भाई, कम है, तो यहां पर यहां से यहां मूव करेगा, तो नेट मूवमेंट कहां आएगा भाई, यहां से मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेट मूवमेंट यहां पर आएगा भाई, ठीक है। नेट सॉल्वेंट यहां से उठकर इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव कर रहा है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या करना है भाई, रोकना है, ठीक है, रोकना है। यहां पर मैंने क्या करा हुआ है, एक पिस्टन लगा के रखा हुआ है, अगर मुझे इसके मूवमेंट को रोकना है तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना तू एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेगा वही किसके बराबर आने वाला है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण ही ये सॉल्वेंट यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है तुझे, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, उस ऑस्मोसिस को जिससे सॉल्वेंट यहां से यहां मूव कर रहा है उसको रोकना है भाई। तो यहां से क्या करा तूने, प्रेशर डालना स्टार्ट किया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, और एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हुआ, इस सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो गया भाई, रुक गया। तो जितना तूने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है वही किसके बराबर है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मोलरिटी, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे ही कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। जब भी आपकी कंसंट्रेशन की बात होती है तो मोलरिटी ही वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। जनरली जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है ना, वैसे कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, अगर कुछ नहीं कहा जाए तो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई कंसंट्रेशन के, दैट इज मोलरिटी के, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों को मिलाया गया, एक नया बना पाई इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ पर क्या है, मोलरिटी, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो क्या पुट करनी है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ये एटीएम में है, ठीक है,
और टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, ऐसा नहीं कि सेल्सियस में पुट कर दो भाई, सेल्सियस में पुट करोगे गलत आंसर आएगा, तो हमेशा केल्विन में पुट करना है। तो हमें जो याद रखना है वो हमें इतना सा याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, सीआरटी, और सी का मतलब क्या है यहाँ पर, मोलरिटी, जो किसके बराबर होगी, एन वाई बी के बराबर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, तो ये भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है भाई, मोलरिटी, ये ध्यान रखना है। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल में पुट करना है, पर केल्विन में, एंड टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई, सेम आने वाला है, दैट इज पाई वन इक्वल टू पाई टू। ठीक है, पाई वन क्या होता है, सी वन इंटू आर टी, एंड पाई टू इक्वल टू सी टू इंटू आर टी। ठीक है, आर टी आर टी यहाँ से कैंसिल होगा और हमारे पास क्या आने वाला है, सी वन इक्वल टू सी टू। राइट, जैसे कि हम बात करें कि 0.91% डब्ल्यू वाई वी सॉल्यूशन ऑफ एन एस सी एल इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड। ठीक है, 0.91% डब्ल्यू वाई वी एक्व सॉल्यूशन एन एस सी एल का किसके आइसोटोनिक होता है भाई, ह्यूमन ब्लड के। ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसके रेस्पेक्ट में ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, 0.91% डब्ल्यू आई वी का मतलब क्या हुआ है कि 0.91 ग्राम ऑफ एन एस सी एल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, ठीक है, वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर में प्रेजेंट होगा, वो किसके आइसोटोनिक है, ह्यूमन ब्लड के। तो आइसोटोनिक में हमें इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो आज हमने बात करी है भाई, ठीक है, हमारी जो बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, दैट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।